ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे सबसे सरल है भगवान शिव को प्रसन्न करना। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब कुशल मंगल से होंगे। और बिना विलंब किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देवों के देव, देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान है जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोक वासी हो अथवा बैकुंठ वासी हो। शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान है जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। दोस्तों, शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। नजर डालते हैं पांच बातों पर। पहला, भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र चार दाने भी भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। दूसरा, भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। तीसरा, एक बिल्व पत्र से भी मन चाहा वरदान पाया जा सकता है अगर वो संपूर्ण भाव से चढ़ाया जाए। चौथा, एक धतूरा, एक संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। पांचवा, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और गन्ने का रस भी श्रद्धा अनुसार अर्पित कर शिव से मन चाहा वरदान पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सबसे सरल उपाय भगवान शिव को प्रसन्न करने का और उनसे जुड़ी पांच बातें। आज का हमारा वीडियो यहीं हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने प्रियजनों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी भगवान शिव से जुड़े रोचक तथ्य और सच्ची कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए ओम नमः शिवाय। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें। नमस्कार।